जिनके ऊंचे ख्याल हैं, मौज मस्ती करना, ड्रिंक करना, 5-स्टार होटल में खाना खाना और एक दूसरे को टोपी पहनाना, तो इस तरीके की कहानी है। लास्ट में होता क्या है कि ये जो इसमें लीड में हीरोइन है, तो ये इसकी बचपन की फ्रेंड थी, ये उसी को अपने प्यार के उसी में चोरी करने पहुंच जाते हैं और उन्हीं को बंदी बना लेते हैं। तो लास्ट में पता चलता है, जब उसको भी पता चल जाता है, इसको भी, क्यों वो विदेश में शिफ्ट हो गए थे, बाद में आते हैं, तो पता चलता है कि ये तो मेरा बचपन का प्यार है। तो ये फिर उसमें लास्ट में जो हीरो है इसमें, वो उसकी हेल्प भी करता है। तो इस टाइप की कहानी है। इसमें लोगों पे मैसेज जाएगा कि जो हमारे आज के लोग हैं, यूथ के लोग हैं, वो अपने आज सभी ज़्यादातर ये सोचते हैं कि शॉर्टकट में पैसा कमाएं। तो ये मैसेज जाएगा, भाई शॉर्टकट में पैसा नहीं कमाना चाहिए, अपनी मेहनत से और ईमानदारी से काम करें, उसी से फ़ायदा होता है। ये हम 18 सितंबर को रिलीज कर रहे हैं इस मूवी को। मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि ये अच्छी मूवी है और इसे देखें, और देखने से कुछ अच्छा होगा, ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और साथ में मेरे दर्शक लोगों के लिए भी, जो लोग इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है कि जल्दी उनको ये फिल्म भी देखने को मिलेगी और म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। और मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन, और अपनी ऑडियंस से चाहूँगा कि वो मुझे विशेष दें, अपना आशीर्वाद दें, ये बहुत ज़बरदस्त हिट हो और मुझे भी मार्गदर्शन मिला आगे के लिए। और इस फिल्म की बात करें, लो इंटेंशन, क्या इसके पीछे क्या ये नाम रखने का रीज़न क्या है और इसमें आपका किरदार क्या है, लो इंटेंशन कैसे ऑडियंस को आप किस प्रकार से टेंशन देते हैं? एक्चुअली ये टाइटल से आप बहुत कुछ समझ में आता है, जैसे कि लव इन टेंशन, तो पूरा लव ही टेंशन में चलता रहता है, और जब बाद में समझ में आता है, एक्चुअली इस ये फिल्म पूरी फुल कॉमेडी फिल्म है, पूरी फैमिली मूवी है, आप लोग सभी जाकर, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़के, लड़कियां सभी इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। यूथ के ऊपर बनी हुई फिल्म है, सारा कुछ इसमें दर्शाया हुआ है, बहुत इंटरटेनिंग है। और इस फिल्म के अंदर क्या है कि जैसे कॉलेज से पास आउट होते हैं यंग बॉयज़, और उनके ड्रीम्स तो बड़े होते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते, तो एट लास्ट उनको पता लगता है कि यार बिना मेहनत के जो फल मिलता है वो गलत ही होता है, हम लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, और किसी भी चीज़ को, कोई भी कदम हो, हमको गलत नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अच्छाई के रास्ते पर चल कर ही हमारी जीत हो, वही सब कुछ दिखाया इस फिल्म में। फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे विकास झा, जिन्होंने बहुत अच्छे से म्यूजिक बनाया है इस फिल्म का। इसमें रोमांटिक सॉन्ग हैं दो, बहुत अच्छे हैं, जिनका परिचय इसमें भी बहुत अच्छा किया गया है, और एक हमारा आइटम सॉन्ग है इसमें, जिसमें श्रद्धा जी ने आइटम किया है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, आप लोगों को पसंद आएगा। और एक हमारा टाइटल ट्रैक है इस फिल्म का, वो भी बहुत खूबसूरत है, सब लोगों ने अच्छा काम किया, आप लोगों को पसंद आना चाहिए। मेरे को इम्प्रेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, मेरी फिल्म देखो और आप लोगों की दुआएं मुझे मिलेंगी, फिल्म हिट होगी तो मैं अपना आप इम्प्रेस हो जाऊंगा। थैंक यू। माँ बाप की बात ना मान के जो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, उनके लिए इस फिल्म में बहुत बड़ा मैसेज है। जी, ये एक्चुअली ये है कि जो गांव छोड़ के जो लोग शहर की तरफ जो भागते हैं, और उनके साथ शहर में क्या क्या हादसे या क्या क्या बातें हो जाती हैं, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं, उससे निकलने के लिए फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, किसका सपोर्ट मिलता है, ये इस फिल्म के इसलिए मैंने कि मेट्रो सिटी जितनी है, लोग वहाँ भागते ज़रूर हैं लेकिन उन्हें क्या झेलना पड़ता है, ये इस फिल्म में मैंने दिखाया। जी, ये दो हीरो और तीन हीरोइन की कहानी है, जिसमें सभी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे कि हम किसी दोस्त पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि उसी ने हमारे पीठ पे खंजर भोंका है, तो बड़ा दुख होता है, और बहुत से ऐसे हादसे हो जाते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मैंने इस फिल्म में से ये जो फिल्म है, ये इस फिल्म के डायरेक्टर दूसरे हैं, लेकिन इस फिल्म को मैंने थोड़ा संवारा है, थोड़ा सजाया है अपने तरीके से, और
आज हम आपके बीच में हैं तीन तीन फिल्में लेके। आप लोग सभी हम की मैं विश चाहता हूँ, आप लोग मुझे विश। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मैसेज देती हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग हमारी फिल्म देखें और बताएं कि हमने क्या किया है और हमें अप्रिशिएट करें। यही मेरी दर्शकों से गुजारिश है, उनका आशीर्वाद मिले बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें एक बबली गर्ल का करेक्टर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज एब्यूज़ देती है। तो एब्यूज़ ऐसे नहीं है कि लोगों को गलत उसका वो चाहिए डायरेक्शन, बहुत अच्छी और अच्छी फिल्म है। फर्स्ट आई वांट टू थैंक टू मिस्टर नागर कि आज उन्होंने म्यूज़िक लॉन्च किया और एक होप है कि मूवी रिलीज़ होगी और अच्छी जाएगी। आई होप कि ऑडियंस को भी पसंद आएगी। और क्या आप आई एम प्लेइंग अ बबली गर्ल करेक्टर जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है और जिसका मतलब कोई उसकी जो फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उसको अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस टाइप का करेक्टर मैं इसमें प्ले कर रही हूँ और बाकी जब मूवीज़ आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। एक्चुअली अभी मैं यहाँ लव इंटेंशन के म्यूज़िक लॉन्च पे आई हूँ, तो मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द अदर प्रोजेक्ट। इस मूवी में मैं विकास का रोल कर रहा हूँ जो गांव से आता है, गांव में पढ़ाई करता है, अपने पिताजी से झगड़ा करके शहर में आ जाता है और वहाँ पे जिस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ये सब दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। बाकी आप लोग को हॉल में जाके देखना पड़ेगा। जिस तरह से फिल्म को पोस्टर देखा सारे यूथ नज़र आ रहे हैं, क्या हाँ युवाओं के ऊपर एक मैसेज है हमारी हैपनिंग इन मेट्रो सिटी, एक बहुत बड़ा मैसेज है जो हमारे समाज में क्या हो रहा है आजकल, क्या नहीं हो रहा है आजकल, किस तरह से हम लोगों को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से हैंडल नहीं करना चाहिए, ये सब दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। म्यूजिक लॉन्च है, म्यूजिक के बारे में बताया किस तरह के गाने हैं, किस तरह के गाने हैं? गाने बहुत ही अच्छे हैं, गाने बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप भी सुनोगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये गाना। और हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना, दीपक सर के साथ काम करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छे हैं सर, बहुत ही अच्छी तरह से सिखाए। और नागर सर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। शो यहाँ पे आके और लव इन टेंशन में फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो आर्टिस्ट हमारे साथ काम किया है मेट्रो सिटी में वही लव इन टेंशन में है। तो मैं चाहती हूँ लव इन टेंशन सुपर डुपर हिट हो और मेरी मेट्रो सिटी भी, कि हमने बहुत मेहनत से काम किया है, हम चाहते हैं ऑडियंस अगर पसंद करेगी तो हम मुकाम पे पहुँचेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी मेट्रो सिटी सुपर डुपर हिट हो और अपने बर्थडे को लेके तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने इसमें नीलम कैरेक्टर किया है जो एक गांव से लड़की आती है और शहर में उसके पति का उसे प्यार नहीं मिलता है, फिर वो प्यार के लिए कैसे भटक जाती है, वो भी दूसरे लड़के के साथ रिलेशन बनाती है, जो मतलब बहुत कुछ ड्रामा क्रिएट होता है। बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं हमने गलत किया है, तो ज़ारा ही कुछ नहीं, आप प्यार से हाई बोल देंगे मैं इम्प्रेस हो जाऊँगी और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके थैंक यू। रोल बाय रोल पूजा क्या कहना चाहेंगे आज ये सिटी का पोस्टर लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मुझे इस फिल्म के लिए कास्ट किया, मैं दीपक जी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है। पहली बात तो बोलूँ ऑन शूट इंस्ट्रक्शन वो परफेक्टली देंगे, आप 10 टेक लो 100 टेक लो, हर टेक में उन्होंने प्रॉपरली समझाया हर चीज़ में, आर्टिस्ट को समझा के काम दिए करवाया। मैं बहुत टीम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, टीम को क्या कहना चाहेंगे? टीम से तो मैंने जैसे अभी बोला मैंने कि मैं टीम से बहुत खुश हूँ, टीम काफ़ी परफेक्ट थी, हर चीज़ परफेक्शन था सब कुछ। अगर रही बात फिल्म की बात है तो फिर ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और आज के युवाओं के बारे में बताया इस फिल्म में कि कैसे युवाएं गांव से आते हैं, भटक जाते हैं पैसे कमाने के, माँ बाप की बातें ना सुनकर वो आते हैं बॉम्बे में और कैसे वो भटकते हैं, इस बारे में बताई इस फिल्म में। मैं
मैं बहुत हैप्पी हूँ इस मूवी को लेके, बहुत होप है मुझे इस मूवी को लेके। इस मूवी के डायरेक्टर हैं दीपक त्रिपाठी, प्रोड्यूसर हैं मुंद्राज नागर जी। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है इस मूवी को लेके कि मूवी अच्छे चले, लोग देखे, ऑडियंस देखे। मूवी की स्टोरी तो अब तक जितने भी लोगों ने आए यहाँ पे इंटरव्यू दिए सबने बताई दी होगी, तो मैं कुछ स्पेशल बताना नहीं चाहूँगी। बस मैं मेरे काम के बारे में बोलूँगी कि मैंने इसमें जो काम किया है, मैंने अच्छी अपनी पूरी मेहनत की है इसमें, मेहनत से शिद्दत से किया है। बस और होप कि अच्छे से चली जाए ये मूवी। मेरा किरदार इसमें इस प्रकार का है, अय्याश औरतें जो होती है, जो घर में बैठी है, उसका हस्बैंड नहीं है, दारू पीना, सिगरेट पीना, इस टाइप से वो लड़के के खोज में रहती कि कोई लड़का आए उनके पास, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इस टाइप से मेरा है। तो मेरी एक मूवी ऑलरेडी आ चुकी है बीए फेल, उसमें मैंने एज अ लीड किया है। अभी मेरी एक लास्ट नाइट की शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और नागर जी की एक मूवी, और भी मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। टीम को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? बस मैं तो, ये मेरे भाई की फिल्म है, सबको मैं अच्छे से आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि इनकी फिल्म सुपर डुपर हिट जाए। मेरा नाम संगीता पनवार है, नागर मेरा भाई है, बस और क्या कहूँ। सुरक्षा बधाई मेरे, मैं यही दे रहा, भाई की बहन क्या चाहती है, भाई के लिए यही चाहती है कि उसकी फिल्म सुपर डुपर जाए खूब।